चेता नहीं है। चलो फॉर्मूला बताओ सोम, आप फॉर्मूला बताइए हमें बेंजल्डिहाइड का। बेंजीन जो फर्स्ट सीएच तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं सोम, सीख सी बी से प्लस फाइव सी एच विच वन इज मोर बेटर। बेंजीन के ऊपर सी एच जो ठीक है, लेकिन सुनने में ज़्यादा अच्छा हमें लग रहा है सी से एच फाइव देख सी। लिया किया तो वैसे ही नहीं तो आप हमें बोल दें, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, 0% दिक्कत नहीं, और आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई पूछे तो आप बोलें सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ, है ना, देट विल बी मोर बेटर। या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हेन बेंजीन कंसिस्ट अ सी एच ओ ग्रुप द मॉलिक्यूल इज फॉर्म इज नॉन एज बेंजल्डिहाइड। चलिए हेडिंग डालिए, नहीं अभी फिजिकल पे ऑर्गेनिक। एवोगैड्रो जी लो, क्या नहीं करना था ना, 33 वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया, 33 यूनिट भी लिखो, ml में रखा हो तो ml में लिखना, लीटर में रखना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। एवोगैड्रो जी लो, चलिए देखिए पी भी इक्वल एन आर टी, पी भी में रिलेशन पढ़ लिया हमने, बी टी में रिलेशन पढ़ लिया हमने, कल ही पढ़ा है। अब रिलेशन है आपका एन एन भी में, एन और भी में रिलेशन है, आर तो पहले से कांस्टेंट है, तो अब कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर। और जब हम प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप ये भी लिख सकते हो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर का मतलब होता है कॉन्स्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये हमारी कैसी कंडीशन है, कॉन्स्टेंट कंडीशन है। तो लिखिए एवोगैड्रो लॉ में लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कांस्टेंट रखना है, पी एंड टी। तो आप या तो लिख सकते हो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या आप लिख सकते हो एट एस टी पी और एस ए टी पी, तो वो भी तो एक कांस्टेंट है, वो एन टी पी होता है, एस टी पी एन टी पी एक ही है, वो लिख देंगे ना, तो ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर भी तो गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट ही आएगा। और उसमें जो बनता था वो तो अलग बनता, 24.8 लीटर। हाँ तो वही बनाएंगे ना, तो कांस्टेंट तो आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो कांस्टेंट से मतलब है। अरे हम कह रहे हैं ये भी ना लो आप, कोई और दूसरा टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दो, तो उस पे उस टेम्परेचर प्रेशर पे जो वैल्यू आएगी वो फिक्स ही आएगी ना, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर अगर आप कांस्टेंट ले लोगे तो वो वैल्यू तो फिक्स आएगी ना आपकी, कांस्टेंट ही आएगी। तो आप चाहे इस पे रखो चाहे इस पे रखो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट एस टी पी और एस ए टी पी इक्वल, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं ना, एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंसिस्ट या ऑक्यूपाइज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल्स फिक्स हैं तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए मॉलिक्यूल्स,
क्योंकि कोई भी चीज के मोल फिक्स हैं, तो उसके एक मोल में कितनी चीज फिक्स हो जाएगी, 6.022 × 10^23, हाफ मोल में इसका हाफ, 2 मोल में इसका ट्वाइस, 100 मोल में इसका मल्टीप्लाई। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑल गैसेस कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो जो लॉ कहलाता है आपका ये। तो देखिए कोई भी गैस है उसके वॉल्यूम में, अगर उसका वॉल्यूम फिक्स है तो उसमें मोल्स के नंबर भी क्या होंगे, फिक्स। यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है एंड प्रेशर है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट है, या आप लिख सकते हो एट एसटीपी एसएटीपी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, वन लीटर O2 है और 1 लीटर H2 है और इस 1 लीटर O2 में मोल्स की संख्या है, जो मोल्स हैं वो हैं आपके 100। मान लीजिए ये मोल्स हैं आपके N1 या कुछ भी मान लीजिए, और इसमें जो मोल्स हैं वो मान लीजिए N2। तो ये N1 मोल्स किसके इक्वल होंगे, N2 मोल्स के। और सरल भाषा में समझाते हैं, मतलब 1 लीटर O2 के पास 100 मोल्स हैं, तो 1 लीटर H2 के पास भी कितने मोल्स होंगे, 100 मोल्स ही होंगे, लेकिन दोनों का टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, वह कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर इक्वल है तो उसमें मोल्स के नंबर भी क्या होंगे। इस लॉ को थोड़ा और आगे बताते हैं, डाल्टन इससे आगे कह गए, बोले कि अगर गैसेस का मिक्सचर भी है, डाल्टन्स कह गए कि अगर गैसेस का मिक्सचर भी है और उसमें सभी गैसेस का वॉल्यूम फिक्स है और टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, ये डाल्टन्स का लॉ है। तो मान लीजिए यहाँ एन मोल O2 है, ठीक है, मान लीजिए एन मोल O2 है, और इसको और सिंपल तरीके से कैसे बताएं, हाँ ठीक है, मान लीजिए इसके एन मोल्स हैं और इसके हैं N1 मोल्स और इसके हैं N2 मोल्स हैं, ठीक है, गैसेस रिएक्ट नहीं कर रही तब की बात हो रही है। तो इसके एन मोल ने 1 लीटर डेट मीन 1 क्यूबिक डेसीमीटर स्पेस कवर किया, तो H2 ने कितना किया होगा, N2 ने कितना किया होगा, क्यों, ये तो मिक्सचर है गैसेस का, थोड़ा ये लेगा थोड़ा ये लेगा थोड़ा ये लेगा, ऐसा क्योंकि मतलब पूरा स्पेस जितना O2 लेगी उतना ही N2 लेगी, उतना ही, ये बात बिल्कुल सही है। इस कमरे में 3 गैसेस हैं, N2 H2 O2, अगर इनके मोल्स सेम हैं और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, बस ये आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, अगर रिएक्ट कर गई तो फिर इनके मोल्स घट जाएंगे। जैसे कि हमने बोला आपका 2NO प्लस O2 कितने हो जाएंगे, 2NO2, तो 3 मोल से हम कितने मोल पे पहुंच गए, या फिर बढ़ भी सकते हैं मोल्स, पहले से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके। PCl5 गैस टूटी तो बनी PCl3 प्लस Cl2, मोल्स बढ़ भी सकते हैं। तो ये अगर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अगर मोल्स फिक्स हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, लेकिन अगर रिएक्ट कर गई तो फिर ये काम नहीं होगा। ये डाल्टन्स का लॉ है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कुछ ही दिन में आ जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट, हाँ मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट रहेगा, लेकिन उनका खुद का मास कॉन्स्टेंट रहेगा, सेल्फ मास तो सबका अलग होगा ना। तो ये है डाल्टन्स एवोगैड्रो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भी प्रोपोर्शनल एन, तो भी इक्वल आप लिख सकते हो के एन। दिस इज द एवोगैड्रो लॉ।
अब देखते हैं कि किस टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम कोई ऑक्यूपाई करता है। लिखिए फॉर 1 mole ऑफ एनी गैस फॉर 1 mole ऑफ एनी गैस तो देखिए 1 mole ऑफ कोई भी गैस है उसको हम एसटीपी पे देखते हैं। तो एट एसटीपी पे या एनटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर फर्स्ट। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 degree Celsius। ठीक है, और आप इसको केल्विन में लिख सकते हो, 273 केल्विन लिख सकते हो। कैलकुलेशन में आप 0.15 अवॉइड कर सकते हो। और प्रेशर हम ले लेते हैं 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर। और मोल तो आपने फिक्स कर ही लिए हैं, मोल कितने हैं आपके, 1 mole हैं आपके, 1 mole है। तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम आएगा यहाँ पर, किसी भी गैस का, वो कितना आएगा, बिल्कुल कांस्टेंट आएगा 24। तो एट एसटीपी पे किसी भी गैस का 22.4 liter होगा, तो उसमें मोल के नंबर कितने आएंगे, 1 mole। ये हम पहले भी देख चुके हैं आपका, ये है आपका एवोगैड्रो लॉ। मतलब अगर आप एसटीपी पे 22.4 liter H2 भर लीजिए, 22.4 liter O2 भर लीजिए, 22.4 liter आप N2 भर लीजिए, Cl2 भर लीजिए, आप F2 भर लीजिए, हीलियम भर लीजिए, बस रिएक्ट कोई भी गैस अकेले भी भर लो या साथ में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो अगर उनका वॉल्यूम फिक्स है तो मोल फिक्स होंगे, मोल फिक्स है तो वॉल्यूम फिक्स होगा। ये है आपका एवोगैड्रो लॉ। दूसरा ये फिक्स है ना कि कोई भी गैस अगर 1 mole है तो एसटीपी वो कितना स्पेस कवर करती है, 22.4 liter या 22.4 cubic decimeter। अगर टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, तो आप 1 mole गैस को किसी कंटेनर में डालोगे तो वो आपका 22.4 cubic decimeter स्पेस क्या कर लेगी, घेर लेगी आपकी। तो ये वहाँ से आता है एक्सपेरिमेंटल डेटा है। कंडीशन सेकेंड देख लेते हैं, फिर से हम देख रहे हैं एट एसटीपी पे, और इसी का बोल सकते हो एनटीपी पे। ठीक है, तो इस बार टेम्परेचर तो पहले ही जितना है 0 degree Celsius, या इसी का बोल सकते हो 273.515 केल्विन। लेकिन इस बार प्रेशर को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 1 atm की जगह क्या रख देते हैं, 1 bar। तो अगर मोल 1 mole है, अमाउंट अगर फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस आता है 22.7 liter। 22.4 liter से बढ़कर ये हो जाता है 22.7 liter अगर 1 bar प्रेशर होता है तब। एटीएम की जगह 1 bar, अब देखिए थर्ड कंडीशन देखिए, एट एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका फुल फॉर्म होता है इस समय जो टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है 25 degree Celsius। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर माना गया 25 degree Celsius को, जो कि हमारा कितना कल होगा, 298
केल्विन, दिस विल बी इक्वल टू 298 केल्विन। और स्टैंडर्ड एम्बिएंट प्रेशर किसको माना गया है? 1 bar को। तो इस समय जो गैस का वॉल्यूम हो जाता है, अगर वो 1 mole है तो वो हो जाता है 24.8 liter। हालांकि गैसेस के लिए हमेशा जो लिया गया है वो 22.4 liter लिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 degree Celsius टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो 22.4, 22.7 एंड 24.8 liter। और सर इसमें 1 atm नहीं था? नहीं, इसमें 1 bar है। 1 atm करोगे थोड़ा सा कम जाएगा, 24.2 या 24.4 आ जाएगा। ये हो गया आपका एवोगैड्रो लॉ। अब देखिए, जो आप जस्ट अगले 5 मिनट बाद पढ़ने वाले हो आइडियल गैस इक्वेशन, वो आइडियल गैस इक्वेशन इन 3 लॉ को मिला के बना है जो हम पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। हालांकि यहाँ पर एक लॉ और है, गे-लुसाक्स लॉ, लेकिन वो आइडियल गैस इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो डाल लीजिए, 4th नंबर का लॉ है हमारा गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। तो क्या है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम प्रांजल? व्हाट इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम? जितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा, और अगर वो गैसियस है मतलब रिएक्टेंट का, और जो प्रोडक्ट भी गैसेस बन रहा है तो उसका वॉल्यूम सेम, मतलब उसके वो अपने रिएक्टेंट के वॉल्यूम को फॉलो करेगा, सेम नहीं होगा। व्हेन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन अ फिक्स रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट, इफ प्रोडक्ट इज आल्सो गैस then it also bear the volume of ratio of reactant, all the measurement done under condition similar condition of temperature and pressure। अगर 1 mole H2 है, 1 mole Cl2 है, तो ये कितना मोल बनेगा? 2 mole H2, तो सेम वॉल्यूम थोड़ी होगा। ये रेशियो फिक्स हो गया कि एक एक का चल रहा, तो 100 लीटर ये होगी, तो 100 लीटर ये होगा, तो ये हमेशा कितना होगा? अगर गैस है N2 3H2 2NH3, तो अब रेशियो फिक्स हो गया। तो अगर 100 लीटर ये होगा तो ये कितना लेना पड़ेगा? 3 लीटर, तो ये कितना बनेगा? तो ये अपने रिएक्शन के वॉल्यूम को क्या करेगा? फॉलो करेगा। ये था गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम नहीं है, इट इज ओनली गे-लुसाक्स लॉ। तो देखें इसको, इसका एक नाम और है मोंटोन्स लॉ, मोंटोन्स लॉ। इसका एक नाम और है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन। प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन पीवी इक्वल एनआरटी आ जाइए। मास पहले से कांस्टेंट है, आर पहले से कांस्टेंट है, रिलेशन किस में देख रहे हैं? तो आप कॉन्स्टेंट क्या होने वाला है? ऐसे आप इसको अगर याद रखोगे तो आपको कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप बॉयल्स लॉ देखते हो तो देखते हैं वॉल्यूम और प्रेशर में, तो कॉन्स्टेंट क्या रखते हैं? टेम्परेचर। जब आप चार्ल्स लॉ देखते हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखते हो, तो क्या कॉन्स्टेंट है? तो प्रेशर। जब एवोगैड्रो देखा तो हमने वॉल्यूम और मोल में रिलेशन देखा, तो कॉन्स्टेंट क्या कर दिया? प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दिया। इससे आप कर सकते हो। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टायर में हवा फिक्स है, उसने जगह भी फिक्स कवर कर रखी है, अब उसमें और हवा नहीं भरनी हमें,
तो हम उसका प्रेशर कैसे बढ़ाएं? टेम्परेचर बढ़ा के। टेम्परेचर बढ़ा के हम उसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि समर में सबसे ज़्यादा टायर बस्ट होते हैं आपके, उतनी ही गैस आप भरा लो विंटर में, उतनी ही समर में भरा लो। विंटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि गैसेस कंडेंस होती हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, तो बॉल से टकराती नहीं है वो। लेकिन समर में उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉल्स ऑफ द टायर बहुत तेज़ी से टकराती है, तो प्रेशर क्या होता है, जनरेट होता है। गैसेस का प्रेशर सबसे ज़्यादा कोलिजन के कारण होता है, जो बॉल्स ऑफ द किसी सरफेस से वो टकराती है ना उससे, और बॉल्स ऑफ द सरफेस से वो उतनी तेज टकराएगी जितनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी या वो जितना स्पेस कवर करेंगी। तो टेम्परेचर क्या बढ़ा देगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स कर दिया, जगह घेरने नहीं दे रहे हैं उसको। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस इनडायरेक्टली proportional to absolute temperature, absolute कुछ और नहीं है, temperature in Kelvin, absolute temperature, absolute temperature। तो देखिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रेशर होगा। तो सिलेंडर के पास हीट ना जाए, इसके लिए ही कहा जाता है सिलेंडर के पास आग ले जाने से उस पर आग नहीं लगती है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि सिलेंडर के पास ले जाओ, उसका रीजन कुछ और है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेम्परेचर उसके पास ले जाओगे तो फुल सिलेंडर हो, जब बिल्कुल नया नया सिलेंडर लाए तब तो उसको बहुत अवॉइड ही करना चाहिए। तो जब भी आप फुल सिलेंडर लाए तो उसको हीट के पास कभी ना रखें, क्योंकि काइनेटिक, अगर आप उसको टेम्परेचर मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हालांकि डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सफिशियंट स्पेस वो छोड़े हुए हैं अंदर आपके, कि इतना एक्सपेंड आपका नॉर्मल, अगर आपका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, आपका 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो इतना स्पेस छोड़ रखे हैं और बॉल इतनी स्ट्रांग बनाए रखे हैं कि इस डिग्री सेल्सियस तक नहीं, लेकिन आप बहुत देर तक, लंबे समय तक अगर उसको 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो तो इट कैन मे बी बस्ट, तो वो बस्ट हो सकता है, तो वो ब्लास्ट हो सकता है आपका। अब जैसे सिलेंडर में ऊपर आग लग गई तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिलेंडर फटेगा नहीं। आप जो डर जाते हो कि सिलेंडर में ऊपर आग लग गई, उससे कुछ नहीं होना, उसी गैस से तो आप करते हो, तो उसको बस सावधानी से, क्योंकि अगर आपने अनकंट्रोल तरीके से किया तो हो सकता है गैस कुछ इस तरीके से रिलीज होगी, सिलेंडर के आसपास रिलीज होने लगे तो उसके चारों ओर आग लग सकती है। जैसे कभी कभी जो ट्रक्स होते हैं सिलेंडर के, उसमें एक सिलेंडर में आग लग गई तो फिर सब फूटते हैं, उसका रीजन वो अपने आसपास के सिलेंडर को क्या करती जाती है, गर्म, और एक बस्ट हुआ तो वो इतनी हीट जनरेट करता है कि दूसरों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो फिर वो बस्ट हो गया, फिर फड़ाम भड़ाम वहाँ पर धमाके होते हैं, है ना। तो एक्चुअल रीजन ये है, तो कभी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि अकेला सिलेंडर है और उसमें आग लग गई है ऊपर की तरफ, तो आपको कुछ नहीं कर, बड़ा आराम से जाना है, कम्बल ले लें तो बहुत बढ़िया, उसको गीला कर लें तो और ज़्यादा बढ़िया, जाके उसको बस अच्छे से लपेट देना है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो बुझ जाए। कम्बल ना बालू से कभी नहीं बुझाएगा, पानी से तो कभी बुझेगी ही नहीं, वो थक जाओगे, वो आग कभी भी पानी से नहीं बुझ सकती, आप ध्यान रखिएगा, बालू से भी नहीं बुझेगी आपकी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गैस रिलीज होती है कि वो उस समय नहीं हो सकती। छोटी, मतलब एक मान लीजिए किसी लकड़ी में आग लग गई, उसमें आप बालू डाल दो तो ठीक है, लेकिन जो जल लगातार गैस रिलीज कर रही है उस आग को आप इससे नहीं बुझा सकते हो आप, तो भी एक फायर एक्सटिंग्विशर है तो फिर बात अलग है, फिर पूरा रिलीज कर दो उस पर CO2 गैस,
तो सब अपने आसपास की सब O2 को क्या कर देगा, हटा देगा और वो बच जाएगी। तो ये आजकल हमारे जो वर्कर्स हैं वो बताते भी हैं इसको, सिविल सोसाइटी के हो गए या NGO के हो गए या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या फायर डिपार्टमेंट, तो ये चीज़ें आजकल समझाई जा रही हैं। लिख लीजिए, लिख गया सर। लेकिन आज मतलब अभी इस टाइम पे प्लास्टिक की भी कंटेनर बने, प्लास्टिक के, तो वो प्लास्टिक बेकेलाइट होगी फिर, या फिर मेलेमाइन होगी। मेलेमाइन जानते हैं आप, अनब्रेकेबल क्रॉकरी है, अनब्रेकेबल प्लास्टिक, मतलब आप उसे पटक भी देंगे, हिट भी कर देंगे तो नहीं टूटेगी। हमें लग रहा है इससे भी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होगी आपकी। इसका रीजन यही है कि प्लास्टिक हीट को कम अब्जॉर्व करती है देन मेटल। मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट को बहुत तेज़ी से अब्जॉर्व करते हैं, प्लास्टिक उतनी तेज़ी से हीट अब्जॉर्व नहीं करती है। आप एक प्लास्टिक का बर्थ ऊपर रख देना समर में, एक लोहे का पे बैठना, प्लास्टिक में बैठ जाओ, लोहे में ना बैठना, लाल हो सकते हो ना। लोहा बहुत तेज़ी से हीट कंडक्ट करता है। बी कांस्टेंट कर दो पर सर, जैसे प्लास्टिक के पास कोई हीट रहेगा तो प्लास्टिक पिघलेगा, बताया ना वो हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक होगी, जैसे कि टेफ्लॉन बेकेलाइट हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक है, इन पर हीट का प्रभाव नहीं पड़ता है बहुत लंबे समय तक। अगर इनमें इनकी इन प्लास्टिक में आग नहीं लग सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप इनको फायर दोगे तो ये इनफ्यूजिबल ब्लैक कलर के सॉलिड बना लेंगे आपके, मतलब ट्रांसपेरेंट हो सकता है जो आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलिए तो पी के P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये हो गया आपका गेल उसाक्स लॉ। ग्राफ बना लेते हैं गेल-उसाक्स लॉ का। तो देखिए ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। आप एवोगैड्रो में ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि उसमें कोई चीज़ घट बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट रह रही है आप, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एक कहलाता है आइसोकोर, तो इनको बोलते हैं आइसोकोर। आइसोकोर एक प्रोसेस पता है, तो दे आर कॉल आइसोकोर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर, आप टेम्परेचर किसी में भी ले सकते हो डिग्री सेल्सियस केल्विन में, आप प्रेशर भी किसी में ले सकते हो, पर अगर टेम्परेचर केल्विन में लिया SI यूनिट, तो फिर प्रेशर की भी SI यूनिट रखो आपकी, क्या हो जाएगी प्रेशर की SI यूनिट, तो आप पास कर लो। तो क्या होगा प्रेशर, अरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, अब 180 होगा। तो लो और बना दो, एक साथ 3-4 बना दो, अलग से बना लो, उसी बना लो। तो यहाँ पर मान लीजिए वॉल्यूम था V1 कांस्टेंट, यहाँ पर V2 कांस्टेंट, यहाँ पर V3 कांस्टेंट और यहाँ पर V4। अब आप लोग वॉल्यूम का ऑर्डर लिखिए, जिससे पूछे वही बताएगा, समय देते हैं लिखने का। अब बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो PV इक्वल NRT से, या लॉजिकल भी फाइंड कर सकते हो। पता हो गया, लॉग बनाओ फिर ऑर्डर। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ होगा, सबसे कम वॉल्यूम कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बनाओ, और बोलना नहीं है, बोल दोगे तो दिक्कत में आ जाए। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ होगा, सबसे कम वॉल्यूम कहाँ होगा, दिखाओ। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ठीक है, बने अंकित दिखाओ, नहीं गलत, सही,